बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी किचन वेज जवेद की तरफ से हम आप लोगों के साथ हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। माशाल्लाह रमज़ान शरीफ के हवाले से पहले भी रेसिपी शेयर करते रहे और अभी जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो बना रहे हैं अभी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाने के लिए आप लोगों को बताते हैं कि किस किस चीज़ों की क्या ज़रूरत है और कैसे बनानी है। सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरी ली है, बिल्कुल माशाल्लाह ताज़ी स्ट्रॉबेरी है। इसको हम दरमियान से छुरी की मदद से कट कर लेंगे ताकि थोड़ी सी छोटी हो जाए, तो इस पोजीशन को हम काटेंगे। ये देखें, इतने हमने चार चार पीस कर दिए और साथ में आपको चीनी चाहिए और ताज़ा दूध, उबला हुआ हो या ठंडा हो, कच्चा हो, जो आपकी चॉइस है, लेकिन ये उबला हुआ ठंडा दूध है। और साथ में मैंने बर्फ़ ले लिए, उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा जब ग्राइंडर में डालें। ये मैंने पहले थोड़ी सी की है, लेकिन साथ में अगर और ज़रूरत होगी तो कर लेंगे, लेकिन दूध ऑलरेडी पहले ठंडा है। देखें, हम इसमें स्ट्रॉबेरी को बिल्कुल काट कर डाल रहे हैं स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक बनाने के लिए। देखें माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी हमने डाल दिए, अभी इसमें हम दूध शामिल करते हैं। दूध भी शामिल कर दिया और साथ में हसबे ज़रूरत चीनी डालते हैं। देखें, ये हमने जो बर्फ़ छोटी बारीक की थी वो भी डाल दी है, अभी हम इसको ग्राइंड करते हैं। देखें माशाल्लाह ग्राइंड कर रहे हैं, बिल्कुल जब आपको ग्राइंड करना है तो बिल्कुल 5-7 सेकंड के लिए पुश करना है, फिर उसको रोक लेना मशीन को, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा कर। देखें माशाल्लाह हमारा स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक तैयार हो चुका है। ये देखें, बहुत मज़ेदार और गाढ़ा मिल्क शेक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे लिए बेशुमार नेमतें बनाई हैं खाने पीने के लिए, और माशाल्लाह देखें बहुत मज़ेदार मिल्क शेक तैयार हो चुका है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़ेदार स्ट्रॉबेरी का जूस तैयार हो चुका है हमारा मिल्क शेक। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक तैयार हो चुका है और बहुत मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी के लिए हमने बना लिया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश खुर्रम रखे, अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरे। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।